एक बात याद रखना शैली, किसी पे झूठा लांछन लगाने की कोशिश मत करना। लेकिन जो भी बोलोगी सोच समझ कर बोलना। पर बाबा आप एक मिनट सोच के तो देखिए, कल उसकी बहन बीमार थी, आज माँ बीमार हो गई है। आपको ये सब बहानेबाजी नहीं लगती? एक बात तुम दोनों ध्यान से सुन लो, आज के बाद आभा या करण को मेरे सामने झूठा साबित करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा नो, चलो मां, शायद करण और आभा उनके कमरे में होंगे, उन्हें लेके आते हैं। चल बेटा। करण। आभा बेटा, इसका मतलब आभा घर चली गई वचन की परवाह किए बगैर। बहना, पता है आपसे मिलने कौन आ रहा है? आपसे मिलने करण और आभा आ रहे हैं। नहीं नहीं राघव भैया, आभा नहीं आ सकती। आभा को रोको, आभा ने अपने ससुर को वचन दिया है, हमारे लिए हम नहीं चाहते कि वो वचन तोड़े, उसे रोक दो राघव भैया। आप लेट जाइए बहना, लेट जाइए, हमारी बेटी अपना वचन नहीं तोड़ेगी। राघव आभा को फोन कर दो। आभा, करण, आभा, तुम्हारा घर नहीं है जगमोहन प्रसाद, जो मन मुताबिक चिल्ला सको तुम। मैं आपकी बेटी और दामाद को नहीं, अपनी बहू और बेटे को ढूंढने आया हूँ ताकि मैं पूछ सकूं कि आभा उदय प्रताप सिंह की बेटी है या जगमोहन प्रसाद की बहू। उसने हमें वचन दिया था कि हमारे इजाजत के बगैर वो अपने मायके में कदम नहीं रखेगी। आज मैं दिखाने आया हूँ कि उसका वचन कितना झूठा और कितना सच है। ये तो आभा के ससुर जी की आवाज लग रही है, यहाँ क्यों आए? अपनी बेटी को घर में छुपाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो ठाकुर उदय प्रताप सिंह? हमारी बात पर शक करते जगमोहन तो शायद हम तुम्हें कभी सफाई ना देते, लेकिन तुमने हमारी बेटी के वचन पर शक किया है। तुम उसके ससुर भी हो, इसलिए हम तुम्हें अपने घर में आने की इजाजत देते हैं। आओ चलो। करण आभा, मुझे पता है तुम दोनों अंदर हो, अपनी सास की बरसी की पूजा छोड़ के अपनी माँ से मिलने आई हो। अभा यहाँ नहीं है, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। चलिए दीदी चलिए। आप यहाँ नहीं है भाई। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप यहाँ होगी? अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना जवान प्रसाद कि यहाँ लोग झूठ नहीं बोल रहे? नहीं, आभा की माँ की बीमारी की बात झूठी है और नहीं तुम्हारी बहू के वचन निभाने का प्रण। तुम दोनों गए कहाँ? दादी फोन मिल गया, लीजिए। हेलो करण, बेटा ये सब क्या है? कब से तेरा और आभा का फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं मिल रहा है। अरे कहाँ हो तुम दोनों? हाँ क्या वकील साहब, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आभा और करण यहाँ नहीं, और आभा ने आपका भरोसा नहीं तोड़ा? हाँ मां। क्या